सो यार हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब कुछ बढ़िया होगा। तो यार गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ शिनचैन का एक मिस्टीरियस एंड हॉरर एपिसोड। पहली बात तो अगर आपने इस वीडियो का पार्ट वन नहीं देखा है तो सबसे पहले पार्ट वन जाकर देखो, फिर ये वीडियो को देखो। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहले आपको थोड़ा सा रीकैप करा देता हूँ। अपने पार्ट वन में देखा होगा कि शिनचैन और उसकी दोस्त सब एक लाइन में फंस जाते हैं। कुछ लड़कियां उन्हें लाइन में फंसा कर चली जाती हैं और फिर वो लाइन से बाहर नहीं निकल पाते हैं। फिर शिनचैन नैना को दीदी को देखकर लाइन से बाहर निकल जाता है, बट वो मसाओ और कजामा लाइन के अंदर ही रहते हैं। फिर वहां पर नैनी चैन आती है और नैनी चैन को देखकर मसाओ लाइन से बाहर निकलने की कोशिश करता है, बट वो नहीं निकल पाता। अब आगे की स्टोरी जानो। सो गाइस, आगे क्या होता है कि मसाओ बड़ी चिल्लाने लग जाता है और मसाओ काफी ज्यादा डर जाता है। फिर लाइन थोड़ी सी आगे बढ़ती है, वो तीनों भी आगे चले जाते हैं। फिर वहाँ पे हमें नैनी चैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नैनी चैन उनका इंतजार ही कर रही होती है और कहती है कि कहाँ रह गए वो सब। फिर गाइस हमें इन तीनों का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मसाओ कहता है मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है। फिर कजामा उस आदमी से पूछता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर तभी वहाँ पर शिनचैन आता है और कजामा बो और मसाओ शिनचैन को देखकर हैरान हो जाते हैं और कजामा कहता है कि तुम हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे। और फिर शिनचैन कुछ जवाब नहीं देता और वो गलती से वो दोबारा उसी लाइन में लग जाता है। फिर कजामा बो और मसाओ शिनचैन से कहते हैं कि तुम हमारी मदद कर सकते थे, तुम दोबारा लाइन के अंदर लग गए। फिर शिनचैन कहता है अरे यार मैं तो भूल ही गया था। फिर लाइन थोड़ी सी और आगे बढ़ती है, फिर वो लोग दोबारा लाइन के आगे जाने लग जाते हैं। फिर जब वो आगे देखते हैं तो वहाँ पर कुछ एक स्टोर था जिसके अंदर लोग धीरे धीरे करके जा रहे थे और वहां से बाहर भी नहीं निकल रहे थे। फिर कजामा स्टोर के बोर्ड को देखता है तो वहां पर कुछ नहीं लिखा होता, मतलब सही से कजामा को नहीं दिख रहा होता। और फिर धीरे धीरे लोग उस स्टोर के अंदर जाते हैं बट वहां से बाहर नहीं निकलते। फिर वो चारों सोच में पड़ जाते हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। फिर वो आदमी कहता है अभी तुम्हारी बारी भी आने वाली है उस स्टोर के अंदर जाने की। फिर वो लोग धीरे धीरे करके आगे जाने लग जाते हैं, सारे लोग धीरे धीरे करके स्टोर के अंदर जाने लग जाते हैं। फिर उस आदमी के स्टोर के अंदर जाने की बारी आती है। वो आदमी जैसे ही स्टोर के अंदर जाता है वो कहता है बाय, अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। और फिर ये कह के वो अंदर चले जाता है। और शिनचैन बो कजामा और मसाओ ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि अब इनकी बारी आने वाली थी। फिर वहां पर नैनी चैन आती है और तीनों पर गुस्सा होती है और फिर कहती है तुम लोग कहाँ रह गए थे। और फिर वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं कि यहाँ मत आना, यहाँ मत आना, यहाँ मत आना। और फिर तभी वो स्टोर का दरवाजा खुलता है और वो लोग स्टोर के अंदर खींचे चले जाते हैं। बट नैनी चैन का एक पेपर, एक जो खेलने का पेपर होता है, उस पर लिखा था क्लोज। तो वो क्लोज और वो पेपर पे जो क्लोज लिखा था वो पेपर जाकर स्टोर से चिपक जाता है एंड फिर स्टोर तभी बंद हो जाता है और वो लाइन भी बंद हो जाती है। वहां से सारे लोग चले जाते हैं। फिर वहां पर वो लोग जैसे देखते हैं कि वो स्टोर यहाँ से गायब हो गया और एकदम से मौसम भी ठीक हो गया और नैनी चैन उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है कि तुम मेरे साथ खेलने क्यों नहीं आए। फिर तभी से एपिसोड एंड हो जाता है और फिर वहां पर हमें प्रिंसिपल सर आकर कहते हैं कि चेक कर लिया करो जिस लाइन के अंदर तुम खड़े हो वो लाइन सही भी है या नहीं, फिर ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो यार गाइस, कैसा लगा आपको ये एपिसोड मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड हाँ यार गाइस, इस वीडियो के दोनों पार्ट को बनाने में मुझे काफी ज्यादा टाइम लगा, ऊपर से मेरा गला भी खराब हो रहा है। तो इसी बात पे यार गाइस लाइक मार देना वीडियो को और कमेंट में बताना कि एपिसोड कैसा था और मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी थी, मतलब मैंने कैसा एक्सप्लेन किया आपको वो कैसा था, क्योंकि मैं नया हूं ना यार यूट्यूब पर। एंड हाँ यार गाइस, और अगर आपको देखना है कि इस स्टोर के अंदर क्या था और ये लाइन कहाँ जा रही थी तो वीडियो पर 100 लाइक्स कंप्लीट होने चाहिए। एंड कमेंट में भी बताना कि ये एपिसोड की लाइन कहाँ पर जा रही थी और आपको देखना है कि एपिसोड की लाइन कहाँ जा रही थी कहाँ नहीं, तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जरूर बताना। एंड गाइस, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।